खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सांसद के बंगले पर लगा दिए कांग्रेस के झंडे, मध्य प्रदेश के हक की राशि रोकने का आरोप। देवास जिला एवं शहर कांग्रेस ने देवासपुर शाजापुर क्षेत्र के भाजपा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के बंगले का घेराव कर कांग्रेस के नेताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर मध्य प्रदेश के हक का पैसा नहीं दे रही है जे अन्य मुद्दों पर बुनियादी आरोप लगाकर सांसद का चुप बैठे रहना कायरता साबित है। केंद्र से पैसा नहीं मिलने से मध्य प्रदेश की जनता और किसान परेशान है। मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र से हजारों करोड़ रुपए अपने हक की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा मात्र 1000 करोड़ रुपए देकर इतिश्री कर ली गई है। मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार किसानों और जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कई योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्याएं आ रही हैं। केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच प्रदेश की जनता चक्की में पिस रही है। मध्य प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों के निवास का आज कांग्रेस ने घेराव किया। इसी के तहत देवास में भी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के बंगले का घेराव किया गया। घेराव के दौरान कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता बंगले में घुस गए और कांग्रेस का झंडा बंगले के गेट पर लगा दिया, जिसके बाद उसे निकाल लिया गया। सांसद के बंगले के घेराव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने मांग की है कि मध्य प्रदेश के सांसद चुप ना बैठें और मध्य प्रदेश के हक का पैसा मोदी सरकार से दिलाएं। शहर अध्यक्ष मनोज राजानी ने आरोप लगाया है कि किसानों को जो यूरिया की समस्या आ रही है उसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। घेराव के पश्चात ज्ञापन SDM अरविंद चौहान को सौंपा गया। उनके निर्देशानुसार समस्त भारतीय जनता पार्टी के 28 सांसदों को आज ज्ञापन दिया गया है पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि वे जहां निवासरत हैं या जहां उनका कार्यालय है वहां पर हमें कहा गया था। तो यहां देवास के सांसद माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी साहब का ये जो कार्यालय निवास है यहां आए हैं, क्योंकि हम सब कांग्रेस जिलों की मांग, जनता की मांग है कि 16,000 करोड़ रुपये की मांग हमने केंद्र सरकार से की है। बड़ी मुश्किल से जाके 3 महीने के बाद 1000 करोड़ रुपए दिए, वो भी टुंगा टुंगा के पैसे दे रहे हैं, जिसका कि हक हमारा बनता है। केंद्र की सरकार मध्यप्रदेश के अधिकारियों पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रही। उसके बाद केंद्र का दल आ गया, उनके सचिव स्तर के, उप सचिव स्तर के अधिकारी हर जिले में दौरा कर गए, उन्होंने कमेटी को रिपोर्ट सौंप दी दिल्ली में। उसके बाद नेताओं के द्वारा दोहरा रवैया अपना कर मध्यप्रदेश की जनता को परेशान किया जा रहा है, जिससे त्राहिमाम हो चुका है मध्यप्रदेश। खबर समय जगत के लिए सोनकच्छ से हरिओम जैन की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।